बस 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 डोनाल्ड जी जी हाय कैसा रहा मीटिंग आज मैम लेफ्ट 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 अमेजिंग कड़ा भी लग रहा है मैम मैं देखने को मिलेगा क्या बात है अगर आ गया ना मैम लुक एट सेंटर मैम लेफ्ट लेफ्ट बोल दिया अपना हां मैम ये सेंटर चलो 1 टू 1 अरे रुक बाबा अभी 15 मिनट मैम लेफ्ट मैम लेफ्ट अरे फिर से ऊपर जाओगे नहीं मैं लेफ्ट हो गया बस या लेफ्ट या लेफ्ट वो तो यकीन करना बहुत है मैं सेंटर काफी वेट करा दिया 15 मिनट बोल के या लेफ्ट मैम यहां पर लन भाजी क्या बात है वाइट हां आ जा आ जा हटो जाओ उधर जिस तरह का सपोर्ट मिला है काफी अच्छा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मुझे आप लोगों का सबका मेरी गाइस बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव यू गाइस और हाल ही में जो इविक्शन हुआ उमर रियाज का आपका भी इविक्शन काफी अनफेयर था और उमर रियाज का इविक्शन हुआ तीन घंटा वेट करते हुए हो गया यहाँ पे यहाँ पे चलो 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 जी क्या कहना देखिए अगर गलत इविक्शन होता है तो ऑडियंस को सबको बुरा लगता ही है बट उमर यहाँ तक पहुँचे दैट्स अ बिग अचीवमेंट आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड बाकी सब जितने भी मिलियन ट्वीट्स आए थे उसमें लिखा था उमर रियाज इज अ विनर सो आपको क्या कहना था आप काफी क्लोजली वॉच कर रहे थे और आपने उस इंसिडेंट भी देखा जब प्रतीक करण कुंद्रा ने प्रतीक को धक्का दिया और ये नॉर्मल धक्के में उनको निकाल दिया तो क्या लगता है कि एक बायस डिसीजन है और बिग बॉस सिर्फ करण कुंद्रा और तेजस्वी को सपोर्ट करता है कुछ नहीं कहना चाहती हूँ जब वो लोग आएंगे तो उनसे बात करेगा बट मैं आप रिटर्न जाने वाले हो क्योंकि दो प्यार है यार बस मेरे जो जिनको भी जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है वो जीते और आपका पर्सनल फेवरेट कौन है वो घर मेरे पास क्या बोले तो मैम आपका पर्सनल फेवरेट कौन है उस घर को काफी क्लोजली आपने मुझे देखिए मुझे निशांत बहुत पसंद है वो बहुत इंटरटेनिंग है मुझे अच्छा लगता है सो बट मे द बेस्ट पर्सन विन और हाल ही में एक मैगजीन में आपका फोटो भी बने पावरफुल गर्ल का खिताब नाम दिया तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे मैम आप लोगों का प्यार है यार मैं जितना भी अपनी शिद्दत से अपनी मेहनत से कर रही हूँ बस दैट्स द बेस्ट आई वांट टू डू इन माय लाइफ और आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता है एंड लास्टली व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स समिता शेट्टी और तेजस्वी पे काफी बड़ा झगड़ा हुआ तो उसके बारे में ठीक है बस आप लोग एंटरटेन होते रहिए आप लोगों को पूरी जनता को मजा आए और सब लोगों को प्यार मिले हमको प्यार मिले दैट्स ऑल कि हम लोग अच्छा काम करते रहे दो दिन पहले ही सब सारा ने मुझे कितने बार बोला है कि हल्दी मेहंदी सब चीज में सब में पहले आ जाएगा आप बहुत क्यूट हो थैंक यू बहुत खूबसूरत हो आप ऐसे ही रहना थैंक यू थैंक यू मैम ये चाचा का फोटो चाहिए डोनाल्ड जी फोटो चाहिए किसको किसको मुझे अच्छा मैं ले लेता हूँ कोई नहीं मैं ले लेता हूँ मार कौन मार रहा है कोई नहीं मार रहा ऐसा करो ऐसा बाप रे ये क्या है ये भी है ये 2 रुपए पांडे स्टाइल बाय बाय डोनाल्ड जी काफी वेट करा लिया आज 3 घंटा 8 मिनट काम भी करना पड़ता है ना यस वो काम इम्पोर्टेंट है फिर हम देखा था मैम को डोनाल्ड जी बहुत मजा किया बहुत अच्छा लगा डोनाल्ड जी कल 3 घंटे कहाँ है डोनाल्ड नहीं डोनाल्ड कहाँ सबके साथ तीन तीन पीछे पांडे पीछे
बहुत वेट कर रहा है पीछे मीडिया से बहुत प्यार करते हो निकल गया मीडिया से बहुत प्यार करते हो मीडिया मेरा मीटिंग है मीटिंग है मीडिया मीटिंग है इधर इधर शैलेश पांडे को टैग कर अरे लाइट बंद कर लाइट बंद कर आए नहीं जाओ आ जाओ भगवान करे कि जिंदगी भर आप लोग ऐसे ही रहे और आपको बाइट देते रहना।